आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा द्वारा आज घर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ तिरंगा यात्रा से किया गया। यह यात्रा MI रोड स्थित रामलीला मैदान से शुरू हुई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए घर घर तिरंगा अभियान में सभी को सहभागी बनना जरूरी है। उन्होंने कहा, तिरंगा हमारा स्वाभिमान, अभिमान और राष्ट्र का गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के दौरान घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और हमें इस अभियान में शामिल होकर घर घर तिरंगा फहराना है। तिरंगा फहराने के साथ हमें राष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ाना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा का महत्व बताते हुए कहा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सद्भावना पैदा करना और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े सेनानियों को याद करना है। तिरंगा देशवासियों की आन बान और शान है, इसे हमें सदैव बरकरार रखना है। इस यात्रा का लक्ष्य और उत्सव तभी पूर्ण होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेगा। राठौड़ ने आगे कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सदैव याद रखना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को आजाद भारत की उपलब्धियों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर अग्रसर है। देश को विकसित भारत बनाने में समाज के सभी वर्गों को अपना योगदान देना चाहिए। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा और तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। देश विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, तिरंगा अभियान के संयोजक एवं पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक एवं भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, नाहर सिंह जोदा, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य, कल्पना देवी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, भूपेंद्र सैनी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची, महापौर सौम्या गुर्जर, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर देहात जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, श्याम शर्मा सहित भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। देश के जन जन को जागृत करने का काम किया, आज हम उसी के माध्यम से हमारी तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता, हम देश के अंदर हमारा स्वाभिमान, एकता और अखंडता के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि आज हम हैं तुम्हारे उन वीर सपूतों की वजह से हैं, हमारे उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए आहूत कर दिया। आहूति नहीं, उन्होंने यह कसम खाई थी कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखद रहे, समृद्ध रहे, इसके लिए उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया। हमें आज का दिन यह याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाना है और हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है, और उन कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए हमारे राष्ट्र को दुनिया में सबसे अग्रणी राष्ट्र बनाना है। और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनेगा, 21वीं सदी का भारत बनेगा, और हम सबकी यह कल्पना है कि हमारा भारत दुनिया में सिरमौर बने, और निश्चित रूप से हम 21वीं सदी में भारत को सिरमौर बना करके रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा था वो युवाओं की टोली जिन्होंने सुबह 6 बजे से इकट्ठा होना प्रारंभ हो गए थे, और उन्होंने सुबह सुबह आकर के तिरंगे को लेकर के उन्होंने यात्रा की थी। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
कि जिस तरह से तिरंगे को लेकर के जब चलते हैं एकदम बाहें हमारी फड़क उठती हैं इस तिरंगे के लिए, और हमेशा इस तिरंगे को ऊंचा रखने का काम हमें करना है। उसके साथ साथ हमारे कर्तव्यों को भी हमें ध्यान रखते हुए इस मां भारती के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति उन कर्तव्यों को भी हमें पूरा करना है। आप सभी से इतना ही कहते हुए, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, उसी क्रम में हम भी हमारे जयपुर नगर अप्रकाशी में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देख रहे पीछे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं, खूब जोश उमंग है, और ये तिरंगे की आनमान शान के लिए आज पूरे जयपुर नगर के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। ये माने कि तिरंगा यात्रा जयपुर का संपूर्ण भारत में संदेश जा रहा है, एकता और अखंडता के लिए, मातृभूमि के समर्पण के लिए।